ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೇಕ್ ಡೆಮೋನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಮಿನಾರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾರ್ಚ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ಇವತ್ತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಸದನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹಮಾರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ ಬಚಾನೆಕ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಉದರ್ हमने उन्हें कवर किया, तो हमें बहुत से पुलिस ऑफिसर्स ने आकर हमें बहुत लाठी से मारा और उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़े गए. और जैसे कि मुझे 3 से 4 लोगों ने उठाकर मुझे साइड ले जा रहे थे बस में, तो उसी दौरान बहुत से पुलिस लोग मुझे मार रहे थे. एंड तभी मैं अनकॉन्शियस भी हो गया था. मैंने उनसे पानी तक पूछा और उन्होंने नहीं दिया. और जब मैं अनकॉन्शियस होकर ज़मीन पर गिरा हुआ था, तो जो बाउंसर्स लोग थे जिन्हें हम स्पेशल पुलिस कह सकते हैं, उन्होंने आकर किक किया एंड बहुत पंच मारा, जिसे बैक में पूरा बहुत पंच किया उन्होंने. अभी भी इंटरनल पेन हो रहा है बहुत सारा. एंड पैर में बहुत से लाठी से मारा उन्होंने. एंड जब मुझे उधर अनकॉन्शियस से मैं बेहोश हो गया था, जब मुझे होश आया मैं बस में था और पता नहीं उसके बीच दौरान क्या हुआ. 10 मेंबर्स का बाउंसर्स है ना, सडनली दे केम एंड दे स्टार्टेड बीटिंग अवर्स एंड इवन दे आर बीटिंग अवर गर्ल्स एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर गर्ल्स. सेंट मैथ्यूज को जो हॉस्पिटल है उसके फ्रंट से हमें एक प्रेस रैली निकाले थे, उसका परमिशन भी था उधर. जब हम रैली निकाल के जब आगे गए, तब मैसूर बैंक सर्कल जो था वहाँ तक हम पहुँचे और हमारे लीडर्स जो भी थे वो मीडिया को कवर कर रहे थे, वो अपना स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मीडिया सब कवर कर रहे थे. आगे हमारे और थोड़े ब्रदर्स है वो रैली को लीड कर रहे थे, तो हम थोड़ा अहेड आगे बढ़ के उधर विधानसभा तरफ हम रुख करे, बस रुख करके हम अपना जो भी था नारेबाजी कर रहे थे. तो एकाएक अभी हमको कुछ इंटीमेट भी नहीं किया गया, लाठी चार्ज ऐसा वैसा कुछ भी नहीं बोला. एक के पीछे आया, फिर वो जो बाउंसर था वो मारना शुरू कर दिया. हम बैक टू बैक मारना शुरू कर रहे. इवन हमारे गर्ल्स को भी बहुत ब्रूटली बहुत ख़तरनाक तरीके से वो मारा गया. जब हम गर्ल्स को भी प्रोटेक्ट करने गए तब भी हमें मारा गया. स्टार्टिंग से एंड तक हम पीसफुली जा रहे थे और ये रिकॉर्ड्स, ये विजुअल्स मीडिया भी कवर करके है एंड ऑल्सो इवन पुलिस हैज़ दैट. उसके बावजूद भी ये लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि हमें कुछ दंगा करने आए हैं. ऐसा एक रिस्पॉन्स हमारे ऊपर ये स्पेशल स्क्वाड जो है ऐसा टूट कर पड़े. जैसे आप नॉर्थ साइड देखेंगे तो कैसा दंगा करते हैं, उनके ऊपर ऐसा एक हमला करना चाहिए था, ऐसा एक रोकना चाहिए था. हम लोग स्टूडेंट्स थे, हम लोग जो है ना हमारे चुनकर जिसे विधानसभा में भेजे हैं वो MLA को जाकर हम एक विधानसभा के अंदर हमारा एक रिक्वेस्ट रखने वाले थे. हम कोई दंगा करने के लिए या फिर कोई बॉम्ब लेकर नहीं आए थे, हमारी आवाज़ को लेकर हमारे हाथ में एक पेन पेपर को लेकर आए थे. ऐसे स्टूडेंट्स के ऊपर जो है ना हमला किया गया, हम लोगों को ये लगता है एक टोटली प्लान्ड वे में हम ये लोग हमारे ऊपर आकर हमला किए हैं. और हमें परमिशन दिया गया था सिविल हाईकोर्ट तक, सिविल जो हाईकोर्ट है वहाँ तक जाने के लिए, और यहाँ पे ही हम लोगों को बैरिगेट से रोका गया. जब मार्थास हॉस्पिटल से आगे तक हम पीसफुली आए तो वही नॉट विल गो पीसफुली. द प्रोसीजर होता है लाठी चार्ज करने का भी, वो प्रोसीजर को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन स्पेशल स्क्वाड जो है एक कंप्लीट एक गुंडाइज्म बोल सकते हैं, गुंडों की तरह आकर मार कर अगर स्पेशल स्क्वाड जो है ना वहाँ पे एक लाठी चार्ज नहीं करती, एक सुकून के माहौल में डील करती, तो पुलिस वाले भी हमारे ऊपर लाठी चार्ज नहीं करते थे. ये लोग आकर उकसा कर माहौल को ख़राब किए हैं. और जैसे हम स्टार्टिंग से मार्च कर रहे थे, हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो स्क्वाड को, इशारों में बात करना है, वहाँ से रोकना है. एक जो गुंडा करता है ना, तो वैसा उनका एक बिहेवियर हम लोगों को नज़र आया.